नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फ्लोरिक एसिड होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं, फ्लोरिक एसिड औषधि का गहरा प्रभाव है। यह सोरा, सिफिलिस और गोनोरिया, इन तीनों धातुओं अर्थात मियाज्म के दोषों का संशोधन करती है। इसके रोग शरीर पर धीरे धीरे परंतु गहराई में प्रवेश करके असर करते हैं, इसलिए इस औषधि का प्रभाव भी धीरे धीरे होता है परंतु पूरी गहराई में यह प्रविष्ट होकर रोग का जड़ से उन्मूलन कर देती है। यह दवा एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है और इतना तेज होता है कि शीशे को भी खा जाता है। इसे रबर की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि इसकी तेजाबी प्रभाव से शीशे की बोतल भी नहीं बचती। इसी से स्पष्ट है कि यह औषधि कितनी उष्णता प्रधान होनी चाहिए। इसके लक्षणों में यद्यपि शरीर का तापमान नहीं बढ़ता तो भी सायंकाल या रात को शरीर से प्रबल ताप निकलता है, त्वचा एकदम गर्म हो जाती है। रोगी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। गर्म वस्तुओं से, शरीर पर वस्त्र ढकने से, गर्म हवा से उसका रोग बढ़ जाता है। पल्सेटला की तरह गर्म कमरे में उसका दम घुटता है। वह सिर तथा मुख को ठंडे पानी से धोया करता है। ठंडे पानी से इस प्रकार शरीर को धोने से उसे आनंद मिलता है। रात को बिस्तर पर उसके पांव जलते हैं। बिस्तर में वह ऐसी ठंडी जगह की खोज में रहता है जहां अपने जलते हुए हाथ पांव को रख सके। खुली हवा से उसे आराम मिलता है। हाथों में, पैरों के तलवों में पसीना आता है। पसीना भी जलन पैदा करता है। उससे पांव में घाव पैदा हो जाते हैं। अंगुलियों के बीच में इस पसीने से घाव हो जाते हैं। इसके लक्षणों का मुख्य सूत्र है जलन और गर्मी। आंखों से, नाक से चरपराहट की जलन वाला पानी निकलता है। पसीना भी ऐसा ही होता है। बाहर की गर्मी से परेशानी और शरीर के अंदर से गर्मी का उभरना इस औषधि का चरित्रगत लक्षण है। गर्म चाय, गर्म कॉफी, गर्म पदार्थ पीने से दस्त आ जाते हैं। रोगी को ठंडक से आराम मिलना और गर्मी से उसकी तकलीफों का बढ़ना, यह इस औषधि का इतना गहरा लक्षण है कि अन्य लक्षणों में कितनी ही समानता क्यों न रहे, हाथ, पांव, नाक, कान आदि के सब लक्षणों के मिल जाने पर भी अगर यह व्यापक लक्षण ना मिले, अर्थात अगर रोगी गर्मी में आराम महसूस करे, तो फ्लोरिक एसिड कदापि उस रोगी की औषधि नहीं है। उस हालत में साइलिसिया को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इन दोनों के लक्षण बहुत कुछ समान है। प्रकृति अर्थात मोडेलिटी में भेद है। फ्लोरिक एसिड उष्णता प्रधान या गर्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है। साइलिसिया शीत प्रधान या सर्द है। अंतर साइलिसिया और फ्लोरिक एसिड में यही है बस कि साइलिसिया शीत प्रधान है, फ्लोरिक एसिड उष्णता प्रधान है। नहीं तो बाकी दोनों के लक्षण काफी काफी हद तक बहुत ज्यादा मिलते हैं। आगे बढ़े तो फ्लोरिक एसिड के लक्षण को समझे तो नाखून, बाल, त्वचा, हड्डी के क्षय में उपयोगी है। स्वस्थ व्यक्तियों पर प्रूविंग से देखा गया है कि यह औषधि इतनी गहरी क्रिया करती है कि नाखून, बाल, त्वचा, हड्डी इन सब को विकृत कर देती है। इसलिए रोग की इन विकृतियों में यह उनको ठीक भी कर देती है। नाखून के लक्षण को देखेंगे तो नाखून टेढ़े मेढ़े उगने लगते हैं। नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं, भद्दे होते हैं और टूट जाते हैं। कहीं से बहुत मोटे और कहीं से बहुत पतले होते हैं। बाल के लक्षण को देखेंगे तो बाल झड़ने लगते हैं, उनमें चमक नहीं रहती, चांद गंजी हो जाती है। बाल जहाँ जहाँ उगते हैं उनके मार्ग में फोड़े फुंसी जख्म हो जाते हैं। शरीर में जगह जगह दाग पड़ जाते हैं और ऐसे लक्षण में भी फ्लोरिक एसिड उपयोगी है। त्वचा के लक्षण देखेंगे तो त्वचा पर इधर उधर पपड़ी जम जाती है जो ठीक नहीं हो पाती और ऐसे लक्षण में भी फ्लोरिक एसिड उपयोगी है। हड्डी का क्षय, हड्डी पर इस औषधि का विशेष प्रभाव है। इसका प्रभाव खासकर लंबी हड्डियों और कान के हड्डियों के नेक्रोसिस पर विशेष पड़ता है। इन हड्डियों के नेक्रोसिस क्षय को यह दूर कर देता है। चेहरे की हड्डी के अस्वाभाविक तौर पर बढ़ जाने पर भी इससे लाभ होता है। भगंदर, नासूर तथा सिराओं के फूलने में उपयोगी है। भगंदर, दांतों का नासूर, आंख का नासूर तथा सिराओं के फूलने में यह दवा बहुत उत्तम औषधि का काम करती है।
परंतु इसका निर्वाचन करते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि रोगी उष्ण प्रकृति का हो, शीत प्रकृति का ना हो। शीत प्रकृति का होने पर साइलिशिया को ध्यान में रखना होगा। उष्ण प्रकृति का होने पर अगर भगंदर है, फिस्टुला है, सिराओं का फूलना है, वेरिकोज वेंस है, तो फ्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। आगे बढ़े, पेशाब से सिरदर्द कम हो जाना। सिरदर्द में इसका एक विशेष लक्षण यह है कि सिरदर्द तब तक बढ़ जाता है जब तक पेशाब नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो जब पेशाब खुलकर आता है तब सिरदर्द में कमी आ जाती है और ऐसे लक्षण में फ्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों ने अपने स्नायु मंडल को हस्तमैथुन या व्यभिचार आदि दुष्कर्मों से विकृत कर दिया है उनके स्नायु मंडल की विकृति को यह दवा दूर करता है। ऐसे लोगों के लिए यह विशेष उपयुक्त है जो अपने स्त्रियों से सहवास के आदि हैं, प्रेमिकाओं के परिवर्तन के अभ्यासी हैं, एक स्त्री से संतुष्ट नहीं रह सकते, व्यभिचार में डूबे रहते हैं, अपने पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं रह सकते। ऐसे व्यक्ति शहर की गली के कोने में खड़े होकर महिलाओं को कामुकता की दृष्टि से देखा करते हैं। अंत में उनकी मानसिक अवस्था शोचनीय हो जाती है। मानसिक अवसाद निराशा उन्हें घेर लेती है और जीवन के प्रति वे उदास रहने लगते हैं। इन लोगों को अपने परिवार के लोगों से, अपने बीवी बच्चों से प्रेम नहीं रहता, उनके प्रति वे उपराम हो जाते हैं। यह उपरामता की अवस्था उन लोगों में भी आ जाती है जो घर में बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, परंतु उनमें अपने बीवी बच्चों के प्रति प्रेम की भावना नहीं रहती। वे घर छोड़कर अन्यत्र जाना चाहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने बीवी बच्चों के साथ रहने में खुश रहे, परंतु घर रहते हुए, निकट के संबंधियों में रहते हुए उनसे विरक्त हो जाना मन की अस्वाभाविक अवस्था को सूचित करता है। यह जरूरी नहीं है कि यह अवस्था व्यभिचार से ही उत्पन्न हो, शारीरिक दोष आदि से या अन्य किसी कारणों से भी ऐसी उपरामता आ सकती है। रोगिनी कहती है कि डॉक्टर, समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया है, मुझे अपने पति, अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों के प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। व्यभिचार आदि से या अन्य किसी प्रकार के शारीरिक रोग से अगर सगे संबंधियों के प्रति मन में ऐसी उपरामता, वैराग्य की अवस्था उत्पन्न हो जाए तो पिक्रिक एसिड, सीपिया और फ्लोरिक एसिड ही मुख्य दवाएं हैं। स्त्रियों में यह मानसिक अवस्था प्रायः गर्भावस्था की विकृति के कारण होती है, इसलिए उनके लिए सीपिया तथा पुरुषों के लिए फ्लोरिक एसिड अधिक उपयुक्त दवा है। आगे देखें तो अत्यधिक मानसिक परिश्रम से स्नायु मंडल के रोग। अत्यधिक हस्तमैथुन या व्यभिचार आदि से मन की जो विकृति उत्पन्न हो जाती है उसका कारण भी मानसिक शक्ति का अत्यधिक खर्च है, और मानसिक शक्ति का यह अत्यधिक खर्च अगर अन्य किसी दिशा में हो तब भी मन की वैसी ही दशा हो जाती है। उदाहरण के लिए, जो लोग दिन रात अपने व्यापार धंधों के सोच विचार में लगे रहते हैं, व्यापार को बढ़ाने चढ़ाने में मस्तिष्क का शक्ति से अधिक उपयोग करते हैं, जिनका मन मानसिक कार्य करते करते थक जाता है, फिर भले ही यह अवस्था व्यभिचार से हो या मानसिक कार्य की अधिकता से हो, वे उदास रहने लगते हैं, चुप बैठ जाते हैं, कुछ बोलते चालते नहीं, काम धंधा छोड़ बैठते हैं, न किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए फ्लोरिक एसिड उपयुक्त दवा है। ये लक्षण पल्सेटला में भी पाया जाता है, पर ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिक एसिड उष्णता प्रधान व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, और ऐसे लक्षण में अत्यधिक मानसिक परिश्रम से स्नायु मंडल का रोग उत्पन्न हो गया है और पेशेंट रोगी उष्णता प्रधान है तो फ्लोरिक एसिड उत्तम दवा का काम करती है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 630 में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। यह औषधि, ध्यान रखिएगा, यह औषधि शराबियों को जलोदर रोग में आर्सेनिक के बाद, कुल्हे के रोग में कैलिकार्व के बाद, दांतों की असाधारण अनुभूति में कॉफिया और स्टेफिसग्रिया के बाद, बहुमूत्र में एसिड फॉस के बाद, हड्डियों के क्षय रोग में साइलिसिया और सिम्फाइटम के बाद, घेंघा में स्पॉन्जिया के बाद अच्छा काम करती है। ध्यान रखिएगा, औषधि गर्म प्रकृति के लिए है, और मैंने जैसा जैसा लक्षण बताया है वैसे वैसे लक्षण पे, और अगर पेशेंट गर्म प्रकृति का है तो फ्लोरिक एसिड बहुत ही उत्तम दवा के रूप में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर में उपलब्ध है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, दो दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें।
खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दबा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, Rickweg, SBL, Edel किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।